संग मैं भी एक आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे YouTube के नए वीडियो में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस अभी लगभग सुबह के 10:30 बज चुके हैं, तो मुझे मेरी दिन की शुरुआत गाइस मेरे प्राइवेट भाड़े से हो रही है, जो कि गाइस अभी मैं जा रहा हूँ कस्टमर के पिकअप लोकेशन गोरेगांव में जा रहा हूँ डायमेंशन सर्विस वाले के पास। वहां से गाइस बोलते हैं ना टाइल्स वगैरह लोड करने मेरे को, तो ज्यादा इतना देरी नहीं करते क्योंकि गाइस देखो इतना भाई बारिश गिर रहा ना, तो मुश्किल से अपने को प्राइवेट ट्रिप मिला है, उसे कंप्लीट कर लेते हैं। और गाइस मेरा ड्रॉप लोकेशन है घाटकोपर में, तो गाइस बोलते ना फटाफट जाता हूँ उनकी पिकअप लोकेशन, मटेरियल लोड करता हूँ, फिर उसके बाद है ना गाइस जो भी रहेगा आपको मैं आगे का पूरा बता दूंगा, ठीक है। प्रोसेस क्या, कहाँ जाऊंगा, कहाँ घाटकोपर वेस्ट में जाऊंगा कि ईस्ट में जाऊंगा, ठीक है। तो अब तो फिलहाल तो गाइस मुझे भी नहीं पता, इसलिए मैं आपको पूरा कंफर्म पूरा बता नहीं पा रहा हूँ। तो जो भी रहेगा ना गाइस आपको लोकेशन पूरा पेपर में दिखा दूंगा, ठीक है। तो अभी चलते सीधा उनके पिकअप लोकेशन, ठीक है। तो फाइनली गाइस अभी मैं निकल चुका कस्टमर के ड्रॉप लोकेशन घाटकोपर ईस्ट में। तो जैसे कि गाइस बारिश देख सकते हो कितना है, तो बोलते ना गाइस ऐसी बारिश में आप लोगों को काम करना पड़ रहा है, क्योंकि ना गाइस देखो अभी मैं जाऊंगा नहीं ना भाई, फिर मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। सोचा सोचा कि भाई निकल जाता हूँ, जो भी होगा देखा जाएगा, अभी देखो घर पे बैठ के भी मैं कुछ बोलते ना टाइम पास ही करूंगा। उससे अच्छा सोचा कि एक जो प्राइवेट मेरा ट्रिप है उसे कम्प्लीट कर लेता हूँ जितना मेरे से पॉसिबल हो जाएगा फटाफट, उसके बाद देखते हैं वहाँ से अपने को ट्रिप मोटर पर या तो अंकल डिलीवरी पर, तो फिर सीधा घर पे आ जाऊंगा। क्योंकि भाई बारिश बहुत है हर जगह बोलते ना बंद कर दिया, अंधेरी जो सब है ना गाइस वो वहाँ का रोड पूरा बंद है, भिवंडी साइड भी बहुत हर जगह ना गाइस पूरा बंद कर दिया पुलिस वालों ने, कि पानी भर जाता ना गाइस बहुत सारी गाड़ी बंद पड़ जाती है, बहुत सारी गाड़ी वाले को दिक्कत हो जाती है इसकी वजह से। तो फिर अभी गाइस मैं ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं करूँगा क्योंकि भाई बारिश बहुत है, एक तो मिरर में कुछ दिख नहीं रहा है, सब पूरा बॉक्स फटा हुआ है ना। तो देखो कैसे, तो ये देखो लोडिंग देखो कैसे हो गई है, पूरा बॉक्स देखो पूरा फटाफट है देखो, इसलिए डर लगता है सब उठाने के लिए। 16 बॉक्स है, इधर आठ है। आप अकेले हो क्या? हाँ मैं जाता हूँ अंदर, ठीक है। फाइनली गाइस मेरा ट्रिप कंप्लीट हो चुका है, तो अभी मैं निकल रहा हूँ सीधा मरोल, देखता हूँ गाइस वहाँ से ट्रिप मिला तो ठीक है, वरना बोलते ना गाइस ये मेरे प्राइवेट ट्रिप में ना इतना अच्छा खासा भाड़ा निकल चुका है ना, आपको मैं लास्ट में बताऊंगा गाइस मेरे कस्टमर से कितना भाड़ा लिया। और गाइस बोलते ना वहाँ पे थोड़ा मेहनत करना पड़ा भाई, वहाँ पे भी अपने को एक्स्ट्रा पैसा मिल चुका है लोडिंग का, क्योंकि सामने वाले जो कस्टमर थे ना उन्होंने मुझे पैसा दिया, मतलब आपको अभी बता ही देता हूँ गाइस 200 रुपये अपने को एक्स्ट्रा मिल चुका है अनलोडिंग करने का, क्योंकि एक ही आदमी था उसको थोड़ा हेल्प करने का था, बाकी कोई आदमी थे नहीं इसके वजह से। तो भाई अपना काम तो हो गया, सीएनजी का पैसा निकल गया, और बाकी का जो भी अपना ट्रिप का अमाउंट है ना गाइज वो पूरा का पूरा प्रॉफिट हो चुका है, तो जो कि आपको लास्ट में बताऊंगा। तो फिलहाल गाइज अभी मैं जाता हूँ फटाफट मरोल जाता हूँ, वहाँ से लॉगिन हो जाऊंगा पोर्टर ऐप पर, ठीक है। यहाँ से नहीं होगा भाई, बहुत बारिश है, कहाँ का कुरला बिरला भेज देगा तो फिर पूरी वाट लग जाएगी, इसलिए सोच रहा हूँ कि अभी मरोल निकल जाता हूँ, फिर वहाँ से जो भी ट्रिप आएगा वो उठा लेंगे, ठीक है। तो फाइनली गाइस अभी मुझे आ चुका है पोर्टर ऐप पर ट्रिप, तो जैसे कि गाइस आप साइड में स्क्रीनशॉट देख सकते हो। सो गाइस बोलते ना मैं मरोसी रोड आता ना गाइस, कभी भी यहाँ से ना रिटर्न ट्रिप मेरे को मिलती ही मिलती गोरेगांव की, तो आज है ना गाइस बोलते ना बहुत बड़ा भाई अच्छा लग चल रहा है अपना, बोलते ना बारिश अभी कम हो चुकी है, लेकिन गाइस बोलते ना मुझे लगा नहीं था भाई गोरेगांव का मेरे को रिटर्न ट्रिप मिल जाएगा, तो बोलते ना भाई लक की बात होती है। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ कस्टमर के पिकअप लोकेशन, कम से कम मैंने गाइस
350 मीटर के अंदर अपना पिकअप लोकेशन है और मेरा ड्रॉप लोकेशन है गाइस। जो ओबरे बिल्डिंग है ना गाइस, जो गोरेगांव का, उसका कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, तो वहाँ पे अपना ड्रॉप लोकेशन है। तो बच्चों वाला भी गाइस, अभी जाता हूँ कस्टमर के पिकअप लोकेशन, मटेरियल लोड करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही गाइस देख सकते हो, देखो गाइस इतना ही मटेरियल है, ये मुझे लेके जाना है गोरेगांव में। बोलते ना, गाड़ी इतना मेहनत से पूछा, इतना साफ सफाई किया, कुछ फायदा नहीं। तो ऊपर से बारिश आ चुका है पूरा ना पूरा, बोलते ना बैठ बैठ के ना गैस पूरा का पूरा गाड़ी पूरा पोछ दियो, बहुत गंदा हो चुका था। गंदा होने का रीजन में क्या है गैस, मैं खुद हूँ, गाड़ी साफ वगैरह रखा नहीं नीचे, जो गैस बोलते ना कब से वो अपना क्या बोलते यार, ये पानी भी नहीं आता ना भाई सर में से, बहुत गुस्सा आता है मेरे को। मैट ला के रखा हूँ, कैंची लाना भूल गया ना, तो कल है ना गैस आपको ना दोपहर तक पूरा मैट पूरा बिछाने वाला हूँ। तो बोलते ना एक कस्टमर ने दिया था मुझे मैट, तो कब से रखा वो सोच रहा आज करूंगा, कुछ हो ही नहीं पाता। तो कैसे भी करके ना कैसे मैट डालना पड़ेगा, नहीं तो ना नीचे फ्लोर पे ना कैसे बहुत गंदगी हो जाती है, तो मिट्टी हो जाती है ना, फिर उसकी वजह से ना बहुत सारी बोलते ना या मच्छर घूमते ना, फिर और दिमाग खराब हो जाता है। बारिश में इसलिए मच्छर ज्यादा ही होता है, गाड़ी में तो मच्छर मिलेगा आपको कंफर्म, बारिश में यही हालत है भाई। थोड़ा भी गाड़ी साइड में खड़ी कर दोगे ना तुरंत मच्छर आना चालू। तो अभी ये सब गाइस बोलते हैं सब टॉपिक अभी जाने दो। तो अभी आपको बता देता हूँ गाइस, अभी लगभग 4:30 बज चुके हैं। तो मेरा ट्रिप तो मेरा कब का कम्प्लीट हो गया, मस्त खा पोहा वगैरह खाया हूँ और जो डायमेंशन वगैरह से पेमेंट वगैरह लेके मेरा सब कुछ हो चुका है। ट्रिप के लिए वेट कर रहा था, पोर्टल ऐप पे ट्रिप नहीं आया, अब करे क्या बताओ। और बारिश क्या बोलते ना, आधा घंटा बंद था, मुझे लगा ट्रिप आ जाएगा, तो कोई ट्रिप आया नहीं। तो सोचता हूँ अभी सीधा घर पे चले जाता हूँ भाई। अभी जितना अपना अर्निंग गाइस हो चुका है उतना मेरे लिए आज बस है, तो ज्यादा कुछ नहीं गाइस। 350 रुपये का मेरा CNG गया, मतलब फुल कर दिया, 350 में मेरा CNG फुल हो चुका है। तो अभी देखते हैं अभी क्या होता है। तो अभी मेरा मन है कि सीधा मैं घर पे निकल जाता हूँ, बाद में अपने को कैसे मालूम है। अभी ये सब पूरा ब्लॉग एडिट प्लस बोलते ना, जो पूरा जो मेरा पिछला वाला ब्लॉग था ना गाइस, वो अपलोड नहीं हो पाया, तो घर पे जाके वाईफाई देखना पड़ेगा चालू हुआ कि नहीं। वाईफाई जैसे चालू होगा वैसे ब्लॉग भी मेरा अपलोड हो जाएगा। तो बोलते ना बहुत सारे लोग भाई देखते और इंतजार करते मेरे ब्लॉग का। सो गाइस बोलते ना नेट से ब्लॉग अपलोड हो नहीं पाता, इसलिए ना गाइस पूरा वाईफाई मतलब लगता है क्योंकि नेट पूरा प्रॉपर रहेगा ना गाइस, तो पूरा ब्लॉग है ना गाइस मतलब बोलते ना मिनिमम 10 या 12 मिनट में अपलोड हो जाता है। लेकिन यही नेट से ट्राई करूंगा ना कम से कम 2 घंटा चले जाता है, फिर उसमें जो भाई वो नेट का भी GB जाएगा, फिर कुछ मतलब नहीं रहेगा। इसलिए सोचा कि थोड़ा ब्लॉग अपलोड लेट हो जाएगा चलेगा, लेकिन मैं आज ही पूरा अपलोड कर दूंगा। सो बोलते ना गाइस मेरा अभी आपको मैं आपको सच पूरा अर्निंग आपको मैं पूरा बता देता हूं, ठीक है। तो फिलहाल गाइस देखो मेरे जो पोर्टल ऐप मेरा ना वो ऐप का गाइस देखो ये अमाउंट देखो कुछ 630 रुपए ऐसा 620 ऐसा कुछ मेरा अमाउंट है पोर्टल ऐप का। मैं देखता हूँ पोर्टल ऐप का लास्ट में देखता हूँ, लेकिन आज अब मैंने कुछ देखा ही नहीं। और गाइस बोलते ना कस्टमर से 50 रुपए मिला अलग, कम से कम 480 रुपए गाइस मेरा वहां से हो गया। और गाइस जो मेरा जो डायमेंशन वाले का ट्रिप था ना घाटकोपर ईस्ट का, तो देखो गाइस पोर्टल ऐप पर है ना 800 रुपए बता रहा था, लेकिन वो ज्यादा लोड था ना, तो भाई अपने को मालूम है कैसे क्या अपने ट्रिप का फेयरमेंट कैसे बढ़ाना है। और गाइस बारिश भी थी, कोई पोर्टल वाला भी नहीं आता, उनको पता है विवेक आ जाएगा फोन करूंगा तो उनको 1000 रुपए बोला, वो आगे पीछे नहीं करते हैं, सीधा का 1000 रुपए मेरे को अभी डायमेंशन लगे बल के आता हूँ, उन्होंने 1000 रुपए सीधा कैश दे दिया। और बोलते ना 200 रुपए अनलोडिंग वो वाले कस्टमर से लिया, जो ड्रॉप लोकेशन में वो कस्टमर ने 200 रुपए मेरे को वहां पे दे दिया। तो कहते ना वहां से 1200 और यहाँ से 480 मतलब पूरा टोटल करोगे ना गाइस
कम से कम 1680 का मेरा अभी तक का गैस मेरा अर्निंग हो चुका है। तो ज्यादा कुछ बोलते ना गैस, ज्यादा इतना ट्रिप में मारा नहीं, सिर्फ दो ट्रिप में अपना इतना अर्निंग हो चुका है। तो फिलहाल गैस अभी मैं जितना ज्यादा बोलना नहीं चाहता, क्योंकि ना गैस संडे को मेरा ना Q&A क्वेश्चन मेरा होने वाला है। मतलब आप ब्लॉग में ना गैस कोई भी क्वेश्चन पूछो, मतलब गाड़ी से रिलेटेड या मेरे से रिलेटेड, मैं क्यों आया हूँ ये ट्रांसपोर्ट लाइन में, तो ये सब गैस के क्वेश्चन और आंसर है ना, आप क्वेश्चन करोगे मैं आंसर करूंगा। तो ये सब है ना गैस संडे को मैं सब पूरा करने वाला, ठीक है। तो जिसको भाई जिसको जिसको जितना जमेगा ना, तो टाइम निकाल के कमेंट्स करो क्या क्या क्वेश्चन है आपके, मुझे मेरे से पूछो, मैं स्क्रीनशॉट निकालूंगा, भाई का नाम लूंगा और उसको अपने ब्लॉग के थ्रू पूरा आंसर देने वाला, ठीक है। सो गाइस अभी ब्लॉग एंड करने का टाइम आ चुका है, तो जिसको भाई ब्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों में और कमेंट्स कर देना, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और बेल आइकन दबा दो जिससे मेरी आने वाली हर एक वीडियो ना आपके नोटिफिकेशन में शो हो जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय और टेक केयर।